सो मांडवी से निकल के हम इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं NH-41 पे। सो सिंस यहाँ पे पोर्ट पास में ही है, कांडला और मुंद्रा पोर्ट, तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रैफिक आपको जो दिखेगा यहाँ पे, ये ऐसे ये ट्रक्स जिन पे ये कंटेनर्स रहेंगे, इस टाइप का ट्रैफिक दिखेगा। सो इस वक्त हमारा पहला टोल रिटर्न जर्नी का ये है मोखा टोल प्लाजा। ये देसी ऑप्टिमस प्राइम जा रहा है आगे मेरे। पता नहीं गूगल वालों ने क्या कंफ्यूजन कर रखी है, साइन बोर्ड्स कह रहे हैं ये है NH-8A और गूगल मैप दिखा रहा है NH-41। भाई गूगल टीम प्लीज इसको अपडेट करो। ये क्या चीज है इतने बड़े बड़े, समझ में नहीं आया। इस वक्त हम हैं NH-27 पे और ये हमें लेके जाएगा स्वरूपगंज तक, मतलब स्वरूपगंज के थोड़ा आगे तक ये चलेगा 27 और उसके बाद फिर ये 27 चला जाएगा टुवर्ड्स उदयपुर और हम ले लेंगे NH-62 अपना ये पाली और सिरोही वाली तरफ। चलो यार 5-10 मिनट का ब्रेक लिया जाए क्योंकि सुबह 10:30 बजे मैं चला था और इस वक्त टाइम हो रहा है 1:00, सो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए मेरे को ड्राइव करते करते, तो ज़रा 5-10 मिनट का ब्रेक लिया जाए सो दैट कि बॉडी थोड़ी सी फ्रेश हो जाए और जो थोड़ी नींद आ रही है वो भी खुल जाए। थक गए यार गाड़ी चलाते चलाते, थोड़ा स्ट्रेच करा जाए बैठ के, बैक स्ट्रेच करी जाए, बहुत दर्द हो रहा है। चलो यार सो 10 मिनट का ब्रेक लेके अब वापस ऑन ट्रैक। सो राइट नाउ क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स। अभी थोड़ा अच्छा हाईवे आया है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कवर कर लिया जाए। कंटेनर वाली ट्रेन जो शिप्स पे कंटेनर जाते हैं वो सब इस ट्रेन पे लदे हुए हैं। ये सामने ये ट्रक में वो जा रहा है, विंड मिल का एक ब्लेड है और उसके पीछे ये जीप चल रही है जिसपे लिखा हुआ है ओवरसाइज लोड। भाई कितना बड़ा है ट्रक देखो, यहाँ पे पहिए उसके बाद नीचे कुछ है ही नहीं बीच में, सीधे बात फिर सीधे यहाँ पे पहिए, कितना बड़ा है एकदम, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई वेल का फिन हो। अब ये देखो ये साइड वाले एक ट्रक को ओवरटेक कर रहा है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। अब जाके खत्म हुआ है ये, आप आवाज सुन रहे हो, ये इस साइड ऑफ द रोड जो है जिस साइड मैं चल रहा हूँ वो वहां पे इन्होंने ये रोड को स्क्रेप कर दिया है। अब ये स्क्रेप करने के बाद अब इस पे एक नई लेयर इस पे डलेगी और चलो जब डलेगी सब डलेगी, बट अभी तो इतनी तेज ये आवाज आ रही है कि कान के पर्दे फटने को हो गए हैं और इसको आवाज को आते हुए ऑलमोस्ट अब ये 15-20 मिनट हो गए, सिरदर्द होने लग गया है। इसको यार पेट्रोल डलवा लिया जाए, टैंक फुल कर दो भैया। तो टाइम इस वक्त बज रहे हैं 3 और जो पेट्रोल और जो लास्ट मैंने ब्रेक लिया था वो लिया था अराउंड 1:00, सो वही 2 घंटे हो गए, तो पेट्रोल भी डल जाएगा और थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो जाएगा अपना। सो यार पेट्रोल अपन ने भरवा लिया है, बिल्कुल टैंक फुल करा लिया एकदम ब्रिम तक और 3000 का मेरा पेट्रोल भरा। कोशिश मेरी यही है कि मैं पेट्रोल जितना हो सके। सो भाई पेट्रोल अपन ने डलवा लिया है और पेट्रोल अपना डला 3000 का, टैंक फुल हो गया पूरा ब्रिम तक। अब यहाँ से लेके जो राजस्थान गुजरात बॉर्डर है वहां तक जितना भी मेरा पेट्रोल इसमें कंज्यूम होगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो लास्ट पेट्रोल पंप पड़े गुजरात का उस पे वहां पे मैं जाके इसको टॉप अप करा लूं। कोशिश मैं यही कर रहा हूं कि भाई राजस्थान में पेट्रोल ना डलवाना पड़े और जो पेट्रोल मैं गुजरात में डलवा रहा हूं उससे मैं राजस्थान क्रॉस कर जाऊं। भाई गुजरात में ना कुछ रोड साइंस इतने फनी है, एक तो मैंने जैसे आपको बताया था जाते वक्त कि
रॉन्ग साइड ड्राइव करने वालों से बचें, ठीक है? वो तो पूरे हाईवे पे लगे पड़े हैं, ठीक है? अभी मेरे को दो साइन और दिखे। एक साइन अभी मैं फ्लाईओवर से उतर रहा था, तो उतरने से पहले एक ऐसे स्लोप का साइन बना हुआ, गाड़ी बनी हुई है उसके ऊपर स्लोप पे, ठीक है? तो यार ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे उतरेगी तो ऐसा ही स्लोप होगा, ठीक है? तीसरा साइन मैंने देखा मुंद्रा या शायद कांडला पोर्ट, ठीक है? वहां पे लिखा था पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट साइट। यार ये क्या मतलब हुआ पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट साइट? या तो आप ये लिखो कि भाई एक्सीडेंट प्रोन एरिया और स्पीड लिमिट दो कि गो स्लो, या ऐसे कुछ लिखो ना, पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट साइट। भाई ऐसे साइन तो मैंने सिर्फ यहीं देखे हैं और कहीं नहीं देखे, मतलब जहां जहां मैं गया हूं मैंने कहीं ऐसे विचित्र साइन कहीं नहीं देखे। सो ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो ये माउंटेन रेंजेस हैं, इसी में ही मतलब फर्दर अंदर जाके पड़ता है माउंट आबू। तो अभी हम माउंट आबू के साइड से क्रॉस कर रहे हैं। सो यार जो मेरा ओरिजिनल प्लान था आज रात पाली या सिरोही में से किसी एक जगह रुकने का, उसको कर दिया है मैंने चेंज। और अब मैं रुक रहा हूँ उदयपुर। पाली और सिरोही वाला हाईवे मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका था, ये वाली साइड मैंने एक्सप्लोर नहीं करी है अभी। उदयपुर मैं कभी नहीं आया हूँ बाय रोड, तो उसको मेरे को एक्सप्लोर करना था, तो इसीलिए मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। सो कल का जो मेरा रिटर्न जर्नी है वो मैं अब इस हाईवे पे करूँगा। सो अभी मैं NH 27 पे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि यही हाईवे उदयपुर लेके जाएगा। सिरोही के लिए इस हाईवे से उतरना पड़ता और NH आई थिंक 52 या 62 में से कोई एक लेना पड़ता। टनल अप्रोच कर रहे हैं, क्या है ये, खोखरिया, खोखरिया नाल। सो यार ये जो NH 27 उदयपुर की ओर जा रहा है, एक तो इतना सुंदर रास्ता है, ठीक है, और दूसरा जैसे कहते हैं ना कि बाइंडिंग रोड्स, हल्का लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ड्राइव करने में ना बहुत मजा आ रहा है। अच्छा एक अच्छी चीज ये और कि जो सन है वो है बैक साइड पे, सो जो रिकॉर्डिंग हो रही है एक तो वो हो रही है एकदम साफ, और दूसरी चीज ये कि आंखों में रोशनी नहीं पड़ रही है सूरज की। तो होता क्या है कि जब इस टाइम पे सूरज होता है नीचे, तो आपका ये जो वाइजर होता है वो भी इतना काम नहीं करता, ना आपके सनग्लासेस कुछ काम करते हैं, तो आंखों में बहुत रोशनी पड़ती है, तो उससे ड्राइविंग करने में होती है बहुत दिक्कत। जैसे मेरे को हो रही थी जब मैं लास्ट टाइम इन द सेंस कि जब मेरे ट्रिप स्टार्ट किया था और ऐसे ही टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मेरे को हो रही थी बहुत दिक्कत। यहाँ के माइलस्टोन्स में अलाहाबाद का क्यों डिस्टेंस दिया हुआ है? अरे उससे पहले और भी तो शहर पड़ते हैं भाई, वहाँ का डिस्टेंस दे दो। फाइनली उस होटल पे पहुँच चुका हूँ जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था। सो भाई ऐसा है कि मैं फाइनली जो मैंने होटल शॉर्टलिस्ट किया था मैं उस पर आ तो गया, बट उस पर आने से पहले थोड़ा सा सस्पेंस रहा, क्योंकि हुआ ये कि जब मैं उदयपुर को अप्रोच कर रहा था तो मैं इस होटल जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था मैंने उसको गूगल मैप्स पे लगा भी रखा था डायरेक्शन में, बट पता नहीं क्या हुआ मेरा ध्यान कहाँ था और वो डायरेक्शन स्किप हो गई मेरी, मतलब जो जो कट था वो सॉरी स्किप हो गया। अब स्किप होने के बाद हुआ ये कि वो दिखाने लगा कि बहुत आगे से ऐसे घूम के आना पड़ेगा, तो मेरे को लगा कि ठीक है छोड़ो यार इतना, वैसे भी मैं बहुत थका हुआ था तो मेरे को लगा कि यार अब इतना ड्राइव कौन करेगा। तो सामने ही मेरे को एकदम इमीडिएटली दिखा एक लॉज और मैंने वहाँ पे जाके गाड़ी पार्क कर दी और मैंने होटल बुक कर लिया, वहाँ पे रूम अपना बुक कर लिया। अब थोड़ी देर के बाद मेरे को ना वहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगने लगा, मतलब एक तो वहाँ पे बड़ी स्मेल आ रही थी और प्लस मेरे को ना बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था वहाँ पे। आई वॉज फीलिंग अ बिट स्केयर्ड फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, मतलब मेरी तो खैर है ही है, और मेरे को गाड़ी का भी लग रहा था कि मेरे को लगा कि यार ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्कर में ना लंबे वाला चूना लग जाए। तो फिर मैंने इस होटल में मैंने कॉल किया, इनसे पता किया रूम अवेलेबल है,
तो फिर मैंने कहा यार अब निकलो यहाँ से, तो मैं भागा हूँ वहाँ से और फिर यहाँ पे आया हूँ और अब इस होटल में मैंने चेक इन किया है। टाइम इस वक्त हो रहा है 10:45 और डिनर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो यार आज का दिन काफ़ी लंबा रहा। डिस्टेंस जो मैंने ट्रैवल किया वो किया अराउंड 600 किलोमीटर और ड्राइविंग टाइम भी रहा अराउंड 9.5-10 घंटे। और कल का भी दिन सेम ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ से जो मेरे घर का डिस्टेंस है वो है अराउंड 650 किलोमीटर और जो ट्रैवलिंग टाइम रहेगा वो भी रहेगा 10 से 10.5 घंटे के बीच में। तो दिन कल का भी लंबा रहेगा तो उसके लिए अभी एनर्जी गेन कर लेनी चाहिए थोड़ी सो के, क्योंकि कल मैं सुबह सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी निकलूँ। नॉट लाइक पीछे दिनों की तरह से कि मैं बोलता हमेशा हूँ कि जल्दी निकलूँ बट निकल नहीं पाता हूँ, तो कल मैं रियली सोच रहा हूँ कि जल्दी निकलूँ और जल्दी घर पहुँचूँ। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आप लोगों से कल रिटर्न जर्नी में। टिल देन बाय।